दोस्तों, वेलकम टू दिल बीट सीजन 4। मैं हूँ प्रकृति। और मैं हूँ सुकृति। आपके इतने सारे मैसेजेस और उनमें इतना लिपटा हुआ प्यार, वी फील ब्लेस्ड कि हमारा आपके साथ रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल बन चुका है। वो क्या है ना गाइस, प्यार कितना भी मिले हमेशा ही कम लगता है। सो ट्रू फॉर यू, राइट? हम अपने आसपास की दुनिया में, फैमिली और दोस्तों में हमेशा प्यार की तलाश करते रहते हैं, लेकिन ये एहसास कहीं डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, कहीं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलता है। रियल वर्ल्ड के लोगों के इमोशनल तार वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़ जाती है। आज ऐसे ही वर्चुअली जुड़े दो लोगों की कहानी है कमी। शिवी और कुणाल एक दूसरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले। दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन किसी कॉमन मीम पेज के कॉमन सेक्शन में शुरू हुई बात फ्रेंड रिक्वेस्ट तक आ पहुंची, और फिर शुरू हुआ चैटिंग का सिलसिला, जहां इमोशंस इमोजी से बयां होते हैं और दिल के एहसास वाया वर्चुअल रूट्स एक्सचेंज होते हैं। देखते रहिए दिल बीट सीजन 4 ओनली ऑन MTV बीट्स। Hey, what's up? Hi, I'm good. क्या कर रहे हो? Forward कर रहा हूँ. Your latest comment on the meme is funnier than the meme. Right now, I'm literally. तुम ना अपना नाम कुणाल से चेंज करके रुमाल रख लो. हंसी के आंसू पोंछने के काम आएगा. अब तुम कमाल की बातें करोगी तो रुमाल की जरूरत तो पड़ेगी. वैसे सब तुम्हारे कमेंट्स पे यही इमोजी चिपकाते हैं. तुम क्या 150 कमेंट्स करती हो यार? तो बेसिकली तुम मुझे स्टॉक करते हो कमेंट सेक्शन में। सी, कमेंट्स पढ़कर एंजॉय करना अगर स्टॉकिंग है तो यस, आई एम अ हेल्दी स्टॉकर। वैसे मेरे जैसे और कई है तुम्हारी फैंस, #ShiviFanClub, #SuperbShivi। थैंक्स, बट यू आर रॉन्ग। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। यू आर डिफरेंट। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या डिफरेंट है मुझ में? क्योंकि खुशी के आंसू वाली कहावत को तुमने अपने इमोजी से सच कर दिया है। ओह, आई एम लिटरली रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। अच्छा, इतना फ्लोर पे रोल कर ही रहे हो तो कोई कपड़ा साथ ले लो, मॉपिंग भी हो जाएगी। बैचलर्स के रूम को तो वैसे भी इसकी बहुत जरूरत होती है। अरे यार, ये सुनकर तो मेरी मॉम के भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। शिवी, यू आर रियली फनी। बस फनी है लाइफ में। एनीवे, मेरे कमेंट्स को स्टॉक करने के अलावा और क्या करते हो तुम? आई एम स्टडिंग बैचलर ऑफ आर्ट्स। और तुम? आई एम स्टडिंग द आर्ट्स ऑफ बैचलर्स। अभी फिगर आउट किया उनसे घर में मॉपिंग कैसे लगवाना है। टेल मी वन थिंग, क्या हम वेबसाइट के चैट बॉक्स से मैसेजेस के चैट बॉक्स पर आ सकते हैं? डोंट माइंड हा, बट इतनी तो दोस्ती हो गई है हमारी। लेट मी थिंक। दोस्ती तो है, बट क्या नंबर के लिए कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं हो तुम? अरे, तो दोस्ती के लिए टाइम कहाँ लगता है? ओके, लेकिन आसानी से मिलने वाले चीजों की अक्सर ज्यादा कदर नहीं होती। ओहो, डीप। तो मैडम फिलोसोफिकल भी है। #respect। बस ठीक है, ऑटोग्राफ मत मांग लेना अब। ऑटोग्राफ तो नहीं, लेकिन फोटोग्राफ मिल जाता तो। ओह हेलो, जल्दबाजी में कहीं ब्लॉक में हो जाओ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ओके, जवान सावधान रहेगा। सोच के बताऊंगी इस पे। नाउ हैव टू गो। ओके, टॉक टू यू लेटर, बाय। रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हें सुबह कॉलेज नहीं जाना? नहीं, आई मीन हाँ, आई विल मैनेज। लॉल, तुम क्लास चले भी जाओगे तो टीचर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कल संडे है। ओह, संडे, आई टोटली फॉरगॉट। तुम्हें पता है, सन को भी कभी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सन मतलब सूरज को? क्यों? क्योंकि सन ऑलरेडी हैज 27 मिलियन डिग्रीज।
कॉलेज जाके एक और डिग्री लेकर क्या ही मिल जाएगा। यार शिवी, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, यू शुड ट्राई स्टैंड अप शो। तुम बहुत सही स्टैंड अप कॉमेडी कर सकती हो। जब घर बैठे तुम एंटरटेन हो रहे हो तो खड़े क्यों हो ना? व्हाई स्टैंड अप? मेहनत मत कराओ यार। सही है, बट सिर्फ मुझे ही क्यों एंटरटेन करना है? तुम्हारा टैलेंट को तो दुनिया सल्यूट करेगी यार। क्या बात है, तुम्हारी लाफिंग इमोजीज के स्टॉक खत्म हो गए क्या, जो आज मोटिवेशन मूड में आ गए? नहीं, वो मैं एक्चुअली एक सीरियस बात बोलना चाहता हूँ। कहो ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आई थिंक आई लाइक यू। यू थिंक यू लाइक मी और यू आर श्योर यू लाइक मी? नो, आई एम श्योर आई लाइक यू। आर यू श्योर यू लाइक मी और इज इट लव? पता नहीं यार, ऐसे पहले कभी फील नहीं किया है, तो आई डोंट नो कि इमोशन लव है या कुछ और। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू फिगर दिस आउट। वो क्या है ना, आसानी से मिलने वाली चीजों की अक्सर कदर नहीं होती है। अच्छा जी, मेरी ही लाइन, मुझे ही कॉपी पेस्ट। क्या करो यार, तुम्हारा असर ही कुछ ऐसा है। हर लड़की को डेट पर ऐसी चीजी लाइंस बोलते हो क्या? मैंने आज तक किसी लड़की के साथ डेट नहीं की, इतना कंफर्टेबल में किसी के साथ कभी हुआ ही नहीं। ये फीलिंग बहुत न्यू है, बहुत प्योर है। और तुम प्योरली क्यूट। आई फील कि ये चैट बॉक्स मेरा एक छोटा सा घर है जिसको तुमने खूबसूरत बना दिया है। और इस घर के बाहर हेलो शिवी मैडम, कहाँ बिजी रहती हो? जब देखो तब अकेले अकेले कुछ ना कुछ सोचती रहती हो, तू और तेरा फोन। तो मेरा प्यार। प्यार कौन? वो कुणाल। पर इसका ये मतलब नहीं कि तू दोस्तों को भूल जाए। तुम लोग बोरिंग हो। अच्छा, तो अब हम बोरिंग हो गए हैं? नहीं, ठीक है। जाके मिलना उससे। क्या करना है मिलके? वही जो बातें करने के बाद इंटरेस्टिंग चीजें होती है। कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। जिस दिन हम मिले उसी दिन मेरा ये प्यार ओवर। तू इतनी फनी है, सोशल मीडिया पे तेरे मीम्स हर दो दिन में वायरल होते हैं। एक बार तो जाके मिल। यू नो पिछले दो बार से क्या हुआ था। आई कांट टेक दैट एनीमोर। यार शिवी, माना कि तेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, पर इसका ये मतलब नहीं तो हर लड़का ऐसा होगा। एक बार तो उससे मिलना पड़ेगा। I'm scared of that day, जब उसको पता चलेगा कि वो जो भी कहेगा मैं उसका जवाब नहीं दे सकती। I can't even say I love you too, वो भी भाग जाएगा। I mean, कोई भी मेरी जैसी लड़की के साथ क्यों रहेगा यार? काव्या, इस फोन में भी ऑप्शंस हैं, बट गॉड ने मुझे परमानेंट साइलेंट मोड पे डाल रखा है। देखना, तू ना इन सब बातों पे बकवास जोक मत मारा करा। रियली डोंट लाइक इट। तुझे उस पे भरोसा है ना, तो या तो फिर तू डर या लव कर। एक बार तो उससे मिल, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ ही इज। लो, लग गई तुम्हारी नजर। उसने पहली बार मिलने बुलाया है और मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। सी, दिस इज अ साइन। जिस गॉड से तू हमेशा कंप्लेन करती है ना, उसने ही तेरी डेस्टिनी बनाई है। एंड उस डेस्टिनी में जो भी है वो तुझे तभी ही मिलेगा जब तू उसे मिलेगी। से यस, गो। एक बार तो जाके मिल, प्लीज गो। गो टाइप यस, गो यस।
Yes. Hi. Hi, Shivi. Please sit. Wow, you're looking so beautiful. और मैं ऐसी टी-शर्ट में, तुम्हें तो दिख ही रहा होगा ना कि मैं कितना नर्वस हूँ। आई नो कि तुम थोड़ा सरप्राइज्ड हो क्योंकि मैंने अचानक ऐसे मिलने के लिए जो बुला लिया, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं चैट पे नहीं कर सकता। आई मीन कर सकता हूँ लेकिन करना नहीं चाहता। देखो, आई लव यू, और प्यार में कोई बात छुपाना धोखा होता है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एक तरह से अच्छा है कि तुम बोल नहीं रही हो, क्योंकि अगर तुम कहती भी तो मैं सुन नहीं पाता। क्योंकि मैं बचपन से ही नहीं सुन सकता, क्या करूं, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बनाया है, और यही वजह थी कि मैं अब तक तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डरता था कि मेरी इस कमी की वजह से कहीं तुम रो क्यों रही हो? मेरी वजह से ना, समझ सकता हूँ, इसलिए डरता था मैं। आज तक किसी भी लड़की से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, किसी का मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अब तुमसे और नहीं छुपा सकता मैं, क्योंकि अब तुमसे कुछ भी छुपाना झूठ बोलने जैसा होगा। यू लाइक मी, आई नो, बट इट्स नॉट फेयर विद यू, एंड यू डोंट वरी फॉर मी, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। टाइप मत करो यार, आई नो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, आई नो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम कह दो जो कहना है, द बेस्ट पार्ट इज मैं वो सुन ही नहीं पाऊंगा, तो शायद मुझे भी तकलीफ ना हो। प्यार में कोई कमी नहीं होती कुणाल, मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती जो तुम ना सुन सको, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती। इस ऊपर वाले ने मुझे भी इस कमी के साथ दुनिया में भेजा है। तुम शिवि, तुम्हारी आवाज आवाज है ही नहीं, और ना ही हिम्मत जो तुम्हारे पास है सच बताने की। सच तो अब सिर्फ एक है कि प्यार की कोई जुबान नहीं होती। इस एहसास को बिना किसी लैंग्वेज के महसूस किया जा सकता है। हम बाकी दुनिया के लिए शायद परफेक्ट ना हो, एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज पहली बार रियल वर्ल्ड में तुम्हारे आंसू देखे। ऑनेस्टली इट्स क्यूटर देन द इमोजी। तुम ना शिवि हमेशा मजाक करती हो यार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका ऑन दिल बीट सीजन 4। बचपन में पढ़ा था माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं। कुणाल और शिवि जो बाकी दुनिया के पैरामीटर्स के हिसाब से माइनस थे, अपने रिश्ते उन्होंने अपने रिश्ते को प्लस बना दिया। ऊपर वाले ने ना शायद इनकी डेस्टिनी में यही लिखा था। वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आकर इन दोनों ने एक दूसरे की रियलिटी को अपनाया। जब प्यार मुकम्मल हो तो फिर आपकी कोई भी कमी उसको कम नहीं कर सकती। दो प्यार करने वाले एक दूसरे की कमी को भी पूरा कर सकते हैं सिर्फ अपने प्यार से। इसलिए तो हम कहते हैं दैट लव हैज नो लैंग्वेजेस, एंड इफ यू फाइंड समबडी हु हैज द सेम लव लैंग्वेज एज यू, डोंट लेट देम गो। वेल, अब टाइम आ रहा है दिल बीट्स के एक फैन से कनेक्ट करने का, जो हम सबसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। आई एम गेसिंग इट्स अ लव प्रॉब्लम, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिल बीट्स सीजन 4 ओनली ऑन एमटीवी बीट्स। Welcome back guys on Dil Beat Season 4 only on our favorite music channel MTV Beats. आज की कहानी कमी में कुणाल और शिवि ने ये साबित कर दिया कि प्यार में सिर्फ इमोशन जरूरी है, बाकी सारी कमी प्यार खुद पूरी कर देता है। और इस वक्त श्रुति है हमारे साथ जो कुछ शेयर करना चाहती है। Hey Shruti, how are you? I'm good Sukupuku, और आप दोनों से बात करके इवन बेटर फील कर रही हूँ। वाह क्या बात है, तो बताइए ऐसी क्या लव प्रॉब्लम है जिसका सलूशन हम दोनों आपको दे सकते हैं। यू नो व्हाट, एक्चुअली आई लाइक अ गाय, बट उसको मैं अपने दिल की बात ही नहीं बोल पा रही हूँ यार, क्योंकि
छह महीने पहले हुए उसके ब्रेकअप से ना, वो अभी तक बाहर ही नहीं आया है। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। ये वाली जो सिचुएशन है आई थिंक बहुत लोगों के साथ होती है, एंड मेरे साथ तो बहुत बार हुई भी है। बट आई थिंक माई एडवाइस टू यू राइट नाउ वुड बी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़के का ब्रेकअप हुआ है, एंड यू नो सबका ब्रेकअप बहुत अलग अलग टाइम लाइन से बेटर होता है। यू नो हाउ यू रिकवर फ्रॉम अ ब्रेकअप इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम, तो आई एम श्योर यू नो ही विल हील, बट वो उनकी जर्नी है एंड आप शायद ही एक फ्रेंड बन सकते हो। आई डोंट थिंक यू शुड प्रेशराइज हिम राइट नाउ विद getting into another relationship. Take it easy, be his friend, and you know, if you're lucky and if both of y'all are lucky, he will start seeing you as a little more than a friend very very soon. But having said that, timing na love mein bahut zyada important hai. So if he's not ready right now aur aapko aise already lagta hai, then maybe don't bring up the question. But if you really 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 love this guy, then maybe aise सुन के तो लगता है यू गाइज आर रियली गुड फ्रेंड्स। सिट डाउन, हैव अ कॉन्वर्सेशन, आस्क हिम एंड मे बी थोड़ा यू नो गिव हिम अ हिंट दैट यू लाइक हिम, आपको खुद पता चल जाएगा। सो ट्राई दिस आउट एंड टेल अस व्हाट गोज ऑन एंड वी विल वेट टू हियर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट फॉर यू। आई होप दैट ही इज वर्थ द वेट। तो ये तो हुई आज की लव प्रॉब्लम। आप भी MTV Beats के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी लव प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। You are watching Dil Beats only on MTV Beats. Hi everyone, आप देख रहे हैं Dil Beats Season 4 only on MTV Beats. मैं हूँ सुकृति। और मैं हूँ प्रकृति। अब है टाइम फॉर अ वेरी वेरी फन सेगमेंट जिसका नाम है Dil Beats Date Ready. यहाँ हम आपको आपकी स्पेशल डेट के लिए कुछ स्टाइलिंग टिप्स देंगे आपकी स्पेशल डेट को और भी स्पेशल बनाने के लिए। आज की डेट का थीम है पिकनिक डेट। ऑनेस्टली गाइज ये मेरी फेवरेट काइंड ऑफ डेट है एंड आई एम स्टिल होपिंग टू गो फॉर अ पिकनिक डेट एंड आई होप इट हैपेंस सून। या आई थिंक बिफोर वी गेट इनटू द स्टाइलिंग टिप्स, अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशंस है कहाँ पे जाना चाहिए पिकनिक डेट के लिए, प्लीज लेट अस नो, हमें बताओ। डेट का तो पता नहीं, हम साथ में जरूर जाएंगे। सो कमिंग बैक, आई थिंक पिकनिक डेट बहुत ही ब्यूटिफुल जगह पे होगी ऑब्वियसली क्योंकि पिकनिक डेट है। सो आई वुड सजेस्ट लेडीज यू शुड वेयर समथिंग रियली ईजी ब्रीजी, यू नो लाइक अ समर ड्रेस और something very simple, jeans to penna hi mat, very uncomfortable. Yeah, I think team it up with like really cute fit flops or you know sneakers. Obviously, again heels mat penna. You have to sit down. I find it very uncomfortable to sit in jeans all the time. And I think guys keep it super simple. Wear like a white t-shirt or any other color which is your favorite, but keep it to t-shirts and joggers. Well, ये तो हुई आज के डेट की स्टाइलिंग टिप। अगर आप भी हमसे कोई भी स्पेशल डेट के लिए टिप्स लेना चाहते हैं तो आप MTV Beats के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाके कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे भी हमें पूछ सकते हैं। आपकी डेट के लिए आपको परफेक्टली रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई हमारी। कीप वॉचिंग Dil Beats Season 4 ओनली ऑन MTV Beats।